नमस्कार, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कई बार कहा कि फैट फ्री दूध से पनीर सॉफ्ट नहीं बनता है, तो मैं आज इस दूध से बढ़िया पनीर आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने 1 लीटर फैट फ्री दूध ले लिया और उसको उबलने तक पका लिया। जब दूध पकने लगे तो गैस बंद कर देंगे और उसके बाद 5 मिनट तक चम्मच की सहायता से हिलाते हुए ठंडा करेंगे। दूध की तेज भाप थोड़ी कम हो गई है तो अब हम यहाँ वाइट विनेगर ले रहे हैं और 1 कप में डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून विनेगर, और जितना विनेगर है उसका दुगना हमको पानी डालना है। तो फिर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विनेगर दूध में डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा विनेगर ही डालना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि पनीर बड़े थक्कों में फट सके। जितने बड़े थक्कों में पनीर फटता है उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि पनीर के थक्के अच्छे बड़े बड़े बन रहे हैं। गैस का फ्लेम हमारा बंद है और इसी हल्के गर्म दूध में ही पनीर बन रहा है। तो ये देखिए, बढ़िया बड़े बड़े थक्के तैयार हो गए और विनेगर भी आधा बच गया है, बहुत कम ही विनेगर लगा है। विनेगर की जगह खट्टे दही से भी बहुत अच्छा पनीर बनाया जाता है। तो अब हम पतले कपड़े में पनीर को डालते हैं और इससे सारा पानी अलग करते हैं। पनीर से पानी अलग हो जाने के बाद हम इसको खोलेंगे और विनेगर की स्मेल हटाने के लिए हम पनीर को 1 गिलास सादे पानी से धोएंगे। इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। पानी निकलने के बाद एक बार फिर से दूसरा पानी डालेंगे और अब इस पोटली को खोलेंगे नहीं और इसी में हल्का हल्का डुबोकर धो लेंगे और वापस से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। बस इसी तरह से ही हाथों की सहायता से ही पानी को निकालना है और अब हम इस पोटली को किसी वजन से धीरे धीरे दबाएंगे। तो यहाँ मैंने पत्थर का मसाला पीसने वाला बट्टा लिया है, आप किसी भी दूसरे वजन से भी दबा सकते हैं और ये प्रक्रिया 5 मिनट तक करनी है। इससे ज़्यादा नहीं, इतने में ही अच्छा पनीर बनकर रेडी हो जाता है। तो अब हम 1 गिलास पानी को गैस पर गर्म कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। गुनगुने पानी में हम पनीर को डुबोएंगे। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक पनीर के पीस काट कर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मुलायम पनीर बना है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये फैट फ्री दूध का है, ये फुल क्रीम दूध का समझ में आता है। मैं अपने घर पर इसी तरह से पनीर तैयार करती हूँ और मैं हमेशा फैट फ्री पनीर का ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दबाने से कितना स्मूथ सिल्की पनीर बनकर रेडी हुआ है। पर ये पनीर बाद में भी ऐसा ही बना रहे इसके लिए हम गर्म पानी में इसको डुबोएंगे। पानी भी हमारा गर्म हो गया है और अब हमें 5 से 10 मिनट के बीच तक इसको डुबो कर रखना है। गुनगुना पानी पनीर में समा गया है और निचोड़ने पर नीचे आ रहा है, यानी कि अच्छा स्पंजी पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से पानी में ही पनीर को डुबे रहने दें और इसको फ्रिज में रख दें, जितना ज़रूरत हो उतना पनीर निकाल कर यूज़ करें। फ्रेंड, मेरी फैट फ्री पनीर की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।